आप सबका स्वागत है 25 मार्च के ईश्वरी वरदान में, जहां परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अंतर्मुखता, अंतर्मुखी जो होता है वो सदा सुखी होता है, क्योंकि उसके शब्द भी कम होते हैं और साथ ही साथ उसकी सोच भी बहुत ज्यादा चारों तरफ नहीं भटक रही होती है। तो सोच चारों तरफ भटकने का कारण क्या है? या तो हम अपने भूतकाल में जा रहे हैं और क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब सोच रहे हैं, और वही संकल्पों के क्वेश्चंस की हमने क्यों लगा दिए, मतलब एक लाइन लगा दी है, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम भविष्य में सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्यों कर रहा है मेरे साथ में ऐसे। तो परमात्मा कहते हैं इस कारण से आपके जो मन में, आप चाहे मुख से तो चुप है लेकिन मन में बहुत हलचल है, अंतर्मुखता नहीं है। तो अंतर्मुखी सदा सुखी मतलब कि आप अंदर ही अंदर, क्योंकि अंदर भी एक मन है ना जो कि बोलता रहता है, हमसे बातें करता रहता है। तो परमात्मा कहते हैं उसको आप सही दिशा दिखाओ, उसको आप तपस्या करना सिखाओ। तो यहां कहते हैं परमात्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठे, योगी भ्रकुटी जहां पर हम आत्माएं रहती हैं और यहां पर रह करके दुनिया को आंखों से देखती हैं, कानों से सुनती हैं, मुख से बोलती हैं और त्वचा से स्पर्श करती हैं। सो भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। तपस्या क्या है? परमात्मा उसकी डेफिनेशन सिखाते हैं आज। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर, बहुत कम बोलना, किसी भी चीज को संकीर्ण करके, कंसंट्रेटेड करके उसको पेश करना किसी के सामने, ना कि विस्तार में जाना, कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं। एनर्जी संकल्प एक एनर्जी है और ये बोल से भी बहुत एनर्जी जाती है हमारी। टीचर्स को तो पता ही होगा जो कि 7-8 क्लासेस लेती हैं एक दिन में, उनको पता होता है कि वो बोल बोल के फिर रात को कैसे उनको या शाम को कैसे थकावट फील होती है। तो बोलने से भी बहुत ऊर्जा जाती है, बहुत ज्यादा, और समय जमा कर लेते हैं। समय कैसे? हम कम शब्दों में ही किसी सिचुएशन को, किसी व्यक्ति को कुछ समझा पाते हैं, किसी सिचुएशन को हम क्लियर कर लेते हैं। उन्हें स्वतः अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है, मतलब कि वो ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं वो, और वो हर सिचुएशन को जब कम बोलने से ही सॉल्व कर लेते हैं तो वो सदा योगी रहते हैं, कर्म योगी। काम करते हुए थोड़ी देर, 1-2 मिनट बात करी, उसके बाद फिर परमात्मा की याद में चले गए, फिर काम कर रहे हैं, फिर किसी से कुछ बोलना पड़ा, फिर कोई सिचुएशन आई, फिर खत्म हुई, परमात्मा से कनेक्टेड। अंतर्मुक्ता का रस और बोल चाल का रस, दोनों में अंतर है ना। एक आप अंदर ही अंदर मन चिंतन कर रहे हो और आप बोल बोल करके बहुत सारे कार्यों को और बहुत सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश करो, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूरत का अनुभव करता है। वो जो होती है आत्मा, आत्मा तो पुरुष है, तो आत्मा को गीता में पुरुष कहा हुआ है। पुरुष मतलब कि वो कमांडिंग पावर रखती है आत्मा, शरीर के ऊपर और सारी दुनिया के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, इसलिए उसको पुरुष कहा गया है। एक मैस्कुलिन एनर्जी कहे आप। तो अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूरत का अनुभव करता है, मतलब कि वो अंदर बैठी आत्मा और वो ये समझती है कि मैं इन आंखों से सारी दुनिया को देख रही हूं लेकिन मैं हूं अंदर इसके, और जो देह अभिमान में होते हैं वो इस मुखौटे से सारी दुनिया को देख रहे होते हैं, लेकिन जो आत्मा होती है, आत्मा समझती है कि मैंने ये मुखौटा लगा के रखा हुआ और मैं पीछे बैठ करके इन आंखों से, कान, मुख, हाथ, इन सारी चीजों से अनुभव कर रही और करा रही दुनिया को। फिर परमात्मा कहते हैं वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन। व्यर्थ संकल्प क्या होते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। वो आत्मा क्या करती है? मन का मौन भी और फिर मुख का मौन, यह अंतर्मुखता सच्ची। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। उनके पास में जो भी इंफॉर्मेशन आती है कर्मेंद्रियों से, वो उसको बहुत ही फटाफट या तो गुणों या शक्तियों या वरदानों के हिसाब से उनको परख लेते हैं कि इसका निचोड़ क्या है, इस बात का, ये सिचुएशन का निचोड़ क्या है, इस व्यक्ति जो कहना चाह रहा है उसका निचोड़ क्या है। वो औरों की भावनाओं को भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर वो हमेशा ही क्या करते हैं, फटाफट पकड़ के उसको कंसंट्रेट करके उसका निचोड़ निकाल करके वो कम शब्दों में ही हर चीज को बयान कर देते हैं। इसलिए वो अंतर्मुखी रहते हैं, वो जितना हो सके समय वेस्ट कम हो और ऊर्जा कम वेस्ट हो ताकि वो परमात्मा से जुड़े रहे। उनका बस यही पूरे दिन भर संकल्प रहता है, मैं टाइम कैसे बचाऊं, मैं ऊर्जा कैसे बचाऊं। और ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारीज में, और ये सब कुछ प्रैक्टिस करनी होती है हमें स्वयं भी अपने आप से। और इसके बारे में आप और समझ सकते हैं जब आप ब्रह्म कुमारी सेंटर जाएंगे। ओम शांति इसके साथ।